अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल वाले बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। दुमका जिला से 30 किलोमीटर दूर लाखों की लागत से बन रहा कोल्ड स्टोरेज आज भी अधूरा है। कितनी सरकारें आई और गई लेकिन किसानों की हित में किसी ने नहीं सोचा। कोल्ड स्टोरेज का निर्माण कार्य हरिनारायण के मंत्री पद पर रहते शुरू किया गया था। इस बाबत जरमुंडी विधायक बादल पत्रलेख का कहना है कि इस पर समीक्षा करने की जरूरत है, यह पब्लिक प्रॉपर्टी का दुरुपयोग का मामला है। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन जी की सरकार है, सब ठीक हो जाएगा। सभी कोल्ड स्टोरेज फंक्शन में ला दिए जाएंगे आने वाले दिनों में। हम चूंकि मंत्री जरमुंडी के चाहते तो जरमुंडी से शुरुआत कर सकते थे, लेकिन हमने जामा को कोल्ड स्टोरेज दिया कि पहले हम अतिथियों का सत्कार करते हैं फिर अपने घर को देखेंगे। और आप देखेंगे कुछ ही दिनों में उसका शिलान्यास भी करेंगे। जो पिछली सरकारों में चालू नहीं हो सका, क्या स्थिति रही, क्या परिस्थितियां रही, उसका हम समीक्षा करेंगे। यदि वो चलने के लायक होगा, स्थिति में होगा, तो चलाने का प्रयास करेंगे, और यदि नहीं होगा तो उन विभाग के जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी एक सवाल, एक स्पष्टीकरण पूछा जाएगा कि आखिर पब्लिक प्रॉपर्टी का इस तरह दुरुपयोग हुआ, इसमें कवायद क्यों नहीं की गई। इन सब चीज़ों को लेकर अभी जो संक्रमण का दौर है एक बार गुजर जाए। हम यहाँ बैठे हैं, चीज़ों को देख रहे हैं, खुद जाकर देखें, आप विश्वास रखें, भरोसा रखें। जो बेपटरी हुई व्यवस्था है हेमंत सोरेन जी की, इस सरकार में पटरी पर आते दिखेगी। वहीं किसानों को लेकर अपनी बात रखते हुए प्रगतिशील किसान जयप्रकाश मंडल ने बताया कि दुमका जिला में एक भी कोल्ड स्टोरेज नहीं है। पूर्व विधायक के प्रयास से एक कोल्ड स्टोरेज जरमुंडी में बन रहा था जो अभी तक अधूरा है। कोरोना काल में किसानों को अपने फसल का पूरा दाम भी नहीं मिल रहा है, जिसके कारण औने पौने दाम में बेचना पड़ता है। अगर कोल्ड स्टोरेज रहता तो यह परिस्थिति उत्पन्न नहीं होती। दुमका जिला में एक भी कोल्ड स्टोरेज नहीं है। संजोग से एक जरमुंडी में बन रहा था जो अधूरा है। कोल्ड स्टोर के नहीं रहने से किसान को जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। जैसे अभी कोरोना के समय में किसान अपना फसल को हटिया बाजार ले गया, 2 रुपया किलो भिंडी, 2 रुपया किलो करेला, 1 रुपया किलो कद्दू नहीं बिका, लास्ट में किसान हटिया में छोड़ के चला आया। तो अगर यदि ये कोल्ड स्टोर बन के तैयार हो गया रहता तो इस समय में किसानों को इसका बहुत ज़्यादा लाभ मिलता। किसान का आज ये जो माली हालत हम लोग देख रहे हैं ये देखने को नहीं मिलता। किसानों की बात पर मंत्री जी अपने सरकार की बड़ाई करते नहीं थकते हैं, लेकिन सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता है। जरमुंडी से लगातार दूसरी बार कांग्रेस का झंडा गाड़ने वाले बादल पत्रलेख अब जांच कराने की बात करते हैं। आने वाले दिनों में देखना ये दिलचस्प होगा कि आखिर मंत्री किसानों के लिए कितने मददगार साबित होंगे। जरमुंडी से कुणाल शांतनु की रिपोर्ट। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल वाले बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।